वहाँ लॉज ना होकर के किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में लॉज होती है, तो जीरो नंबर एनसीआर दूसरे में नहीं हो सकता। हाँ, बाउंड्री लिमिटेशन उसमें नहीं दिया था, बट ऐसा होता है, जीरो नंबर एनसीआर उसमें भी यूज होती है। ठीक है, जीरो नंबर वो एनसीआर नोट करके उसको सेंड कर देंगे। हाँ, कोर्ट नहीं बोल सकता। ठीक है, जीरो नंबर एनसीआर, जीरो नंबर एफआईआर। तो किसी भी कॉग्निजिबल केस का, कॉग्निजिबल इंफॉर्मेशन आई, कॉग्निजिबल केस की कोई इंफॉर्मेशन आई, उसका रिकॉर्डिंग कहाँ होगा? किस सेक्शन में रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? किसी भी कॉग्निजिबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन दिया गया तो वो रिकॉर्ड कहाँ होगी? हाँ, तो वही आंसर दीजिए, दिमाग खोले रखिए। और कोई कॉग्निजिबल केस हुआ उसका, कोई कॉग्निजिबल केस हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन का पावर कहाँ दिया हुआ है? 156। उस कॉग्निजिबल केस का, हाँ, आगे ही बोल दीजिए, पहले क्वेश्चन पूछने ही ना दीजिए। कॉग्निजिबल केस का इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर कहाँ दिया है? 157 में, कॉग्निजिबल केस के इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 157। और नॉन कॉग्निजिबल केस है अगर, हाँ ठीक है, क्वेश्चन पूछने के पहले ही आंसर दे दीजिए, अच्छी बात है। तो इनिशिएशन होगा, प्रोसीडिंग का इनिशिएशन होगा, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर सेक्शन 157 में, ये प्रोसीजर दिया हुआ है इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। देखिए 157 निकालिए, बेयर एक्ट में निकल गया प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। इसमें देखिए सबसेक्शन 1, इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, इसको आप हाईलाइट करिए, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है अदरवाइज का? हाँ, इंफॉर्मेशन रिसीव मतलब हो गया एफआईआर, और इसका खुद ही पता चल जाए, कुछ भी, जैसे एनी अदर सोर्स अपार्ट फ्रॉम एफआईआर। हाँ, एनी अदर सोर्स अपार्ट फ्रॉम एफआईआर, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, इन्फॉर्मर, जैसे मुखबिर, मुखबिर होते हैं जो सूचना देते हैं, इन्फॉर्मर, पुलिस के सामने ही हो गया, अगर उसी के सामने ही हो गया, या कोई भी क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन आ गई, ये सब इसमें शामिल है। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए वरना फिर आप भूल जाओगे। न्यूज़पेपर या कहीं किसी भी सोर्स, आप लिखिए एनी अदर सोर्स अपार्ट फ्रॉम एफआईआर, अदरवाइज में लिखिए एनी अदर सोर्स अपार्ट फ्रॉम एफआईआर। हाँ, लेकिन कंप्लेंट यहाँ नहीं लाई है अभी, उसको हम उधर ले जाएंगे। या उसका जो चौकीदार होता है ना, वो भी ला सकता है कोई भी। हाँ, न्यूज़पेपर हो गया, इन्फॉर्मर, और उसके सामने ही अगर हुआ, इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिसर, और कोई भी ऑनलाइन सोर्स से, फेसबुक, व्हाट्सएप, कुछ भी, या कोई भी क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है।
ठीक है. सो इसका मतलब ये हुआ, इन्वेस्टिगेशन कैन बी कमेंस्ड विदाउट लॉजिंग ऑफ एफआईआर. तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के लिए कॉग्निजिबल केस में एफआईआर लॉज करना जरूरी नहीं है. क्राइम बढ़ेगा या रुकेगा? यानी कि अगर एफआईआर इन्वेस्टिगेशन के लिए यदि वो लेने लगेगा, यानी कि उससे परमिशन परमिशन हाँ, इस वजह से. लेकिन मैं कॉग्निजिबल केस में सर्च के लिए भी वारंट की जरूरत नहीं है? नहीं, कॉग्निजिबल केस में ना सर्च हाँ वारंट की जरूरत होगी सर्च के लिए. हाँ सर्च के लिए, सीजर के लिए. हाँ किस कहीं एंटर नहीं कर सकता. यस, केवल वारंट की जरूरत नहीं है अरेस्ट के लिए. ठीक है, सबके घर में चली जाएगी तो ट्रेसपास. नहीं, अरेस्ट के लिए वारंट की जरूरत नहीं है, बट उसके आगे जो प्रोसीजर रहता है सर्च, सीजर या किसी के घर में जाकर. लेकिन अरेस्ट करने के लिए उसको सर्च तो करना पड़ेगा? जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है सर्च करना. सर्च क्यों करने जाएगा? अपने घर में सोया हुआ है तो उसको तो सर्च, यानी कि जब अंदर जाएगा परमिशन, यानी कि सर्च करना मतलब उसे अरेस्ट. हाँ, अरेस्ट करने के लिए जाएगा, वो सर्च करने के लिए नहीं जाएगा. और अगर मुझे लग रहा है कि बिना वारंट के अगर घर में वो अकेला है, बिना वारंट के उसके घर से कुछ अगर सर्च के में मिल भी गया तो भी उसको पहले वारंट लेना होगा, तब शो करना होगा. हाँ, ऐसा कोर्ट में नहीं, वारंट लेना होगा तलाशी के लिए किसी चीज की. अब ये देखिए 157, इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज. अदरवाइज का मतलब समझ में आया? कोई भी सोर्स हो सकते हैं. एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस ऑफ पुलिस स्टेशन हैज रीजन टू सस्पेक्ट. आप इसको मार्क कर लीजिए, हैज रीजन टू सस्पेक्ट. अगर पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू सस्पेक्ट है तभी वो इन्वेस्टिगेट करेगा. ठीक है, हैज रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच ही इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 156. Which he is empowered under section 156. इसको आप हाईलाइट करिए, empowered under section 156. इसका मतलब ये cognizable case है, क्योंकि 156 में cognizable case की investigation बोला गया है. तो आप यहीं पे लिख लीजिए cognizable offence हुआ है. ठीक है, empowered under section 156 to investigate. He shall को थोड़ा underline करिए, mandatory है करना. He shall forthwith send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance. इसको भी हाईलाइट करिए. रिपोर्ट देगा किसे? उस मैजिस्ट्रेट को जो कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है अंडर सेक्शन 190, 191B. पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है. ठीक है, send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report. Upon a police report, police report पर cognizance लेने के लिए कब empowered है? 191B में. ठीक है, 191B, small letter B. And shall proceed in person. इसकी report देगा police officer को कि ये offence हुआ है, मैं investigation करने जा रहा हूँ, और खुद वहाँ जाएगा. प्रोसीड इन पर्सन, खुद वहाँ जाएगा उस एरिया में. हाँ, इन्फॉर्मेशन देगा, रिपोर्ट भेजेगा. इस रिपोर्ट को कहते हैं ऑक्यूरेंस रिपोर्ट. ऑक्यूरेंस रिपोर्ट ये मैजिस्ट्रेट को इस बात की रिपोर्ट देगा कि देखिए मैं जा रहा हूँ और वहाँ जा करके उस जगह पे जहाँ पे ऑफेंस हुआ है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा. ये जो लिखी है ना, सेंड अ रिपोर्ट ऑफ द सेम टू अ मैजिस्ट्रेट, यही रिपोर्ट है ऑक्यूरेंस रिपोर्ट. मैजिस्ट्रेट कौन सा मैजिस्ट्रेट? जो कॉग्निजेंस लेने के लिए, पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है. ठीक है,
ठीक है, एंड शैल प्रोसीड इन पर्सन, इसको हाईलाइट करिए, वहाँ खुद जाएगा, प्रोसीड इन पर्सन, और शैल डिप्यूट वन ऑफ हिज सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, खुद जाएगा या अपने किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को वहाँ भेज देगा, वन ऑफ हिज सबॉर्डिनेट ऑफिसर नॉट बीइंग बिलो सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रेस्क्राइब इन दिस बिहाफ टू प्रोसीड टू द स्पॉट, टू द स्पॉट इसको हाईलाइट करिए, टू द स्पॉट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड इफ नेसेसरी टू टेक मीजर्स फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर, ठीक है, इतना समझ में आया? प्रोवाइजो देखिए इसका, प्रोवाइडेड दैट ए व्हेन इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस, सच ऑफेंस मतलब कॉग्निजिबल ऑफेंस, लिख लीजिए कॉग्निजिबल ऑफेंस, इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम, बाय नेम को आप हाईलाइट करिए, बाय नेम एंड उसके बाद एंड है जो उसे भी आप हाईलाइट करिए, एंड इसको भी हाईलाइट करिए, अगर जो ऑफेंस जो इंफॉर्मेशन है कॉग्निजिबल केस की उसमें नाम दे दिया गया है अक्यूज्ड का, इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम, और वो सीरियस नेचर की नहीं है, ठीक है, सीरियस नेचर का नहीं, मर्डर वगैरह नहीं है, सीरियस नेचर नहीं है, तब क्या होगा, आगे पढ़िए, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन और डिप्यूट ए सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट, ठीक है, तो वो खुद वहां नहीं जाएगा, ना ही किसी अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को उसे भेजने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो बहुत ग्रेव नेचर का नहीं है ऑफेंस, ठीक है, कोई कोई हाँ जरूरत नहीं है, अगर वो ग्रेव नेचर का नहीं है और नाम भी बता दिया गया है, बी देखिए, इफ इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इंटरिंग और ऑन एन इन्वेस्टिगेशन, बस इसको हाईलाइट करिए, देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इंटरिंग ऑन एन इन्वेस्टिगेशन, कोई जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने की, He shall not investigate the case. तो वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, ये जो है ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस, ये है इनेबलिंग हिम नॉट टू इन्वेस्टिगेट, उसे इनेबल किया जा रहा है कि आप मत करिए अगर जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि ललिता कुमारी जी का जो केस था ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, इसमें क्या कहा गया था, FIR lodging is mandatory, but investigation mandatory है नहीं, FIR lodge करना mandatory है, investigation mandatory नहीं है, ऐसा था, तो investigation अगर उसको लगता है कि इतने serious nature का नहीं है और वो occurrence report भेज देता है magistrate को और लिख करके बता देता है कि भैया देखो ये ज़रूरी नहीं है, grave nature का नहीं है, तो मैं इसे अभी investigate नहीं कर रहा हूँ, तो इस वजह ये प्रोवाइजो उसको इनेबल करता है कि आप इन्वेस्टिगेट मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब इसका एक और प्रोवाइजो है वो देखो, फर्दर दैट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप, देखिए रेप का है ये कब जोड़ा गया, कब जोड़ा गया ये वाला प्रोवाइजो, 213 में नहीं, नीचे देखिए, हाँ The recording of a statement of the victim shall be conducted as the residence of the victim. Mark कर लीजिए residence of the victim. Or in the place of her choice. इसे भी mark कर लीजिए. And as far as practicable by. Practicable by a women police officer. इसे भी mark कर लीजिए. Practical by a women police officer in the presence of her parents. इसे मार्क करिए पेरेंट्स गार्जियन और नियर रिलेटिव्स और सोशल वर्कर ऑफ द लोकेलिटी, ठीक है, अब सबसेक्शन टू देखिए, इन ईच ऑफ द केसेस मेंशनड इन द क्लॉज ए एंड बी ऑफ द प्रोविजो टू सबसेक्शन वन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल स्टेट इन हिज रिपोर्ट हिज रीजन फॉर, एक मिनट उसमें शैल को आप अंडरलाइन करिए,
इन ईच ऑफ द केसेस मेंशन इन क्लॉज ए एंड बी ऑफ द प्रोविजो, वो जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन करने से उसको छूट दी जा रही है कि आप मत करो, ठीक है. इन केसेस में द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन शैल, इसको अंडरलाइन करिए, शैल स्टेट इन हिज रिपोर्ट, रिपोर्ट मतलब वही ऑक्यूरेंस रिपोर्ट है, रिपोर्ट हिज रीजंस, वो अपने रीजंस भी मेंशन करेगा कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ इन्वेस्टिगेट, रिपोर्ट हिज रीजंस फॉर नॉट फुली कॉम्प्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट सबसेक्शन एंड इन द केस मेंशन इन क्लॉज बी, बी वाला केस में, ठीक है, जब उसके पास सफिशियंट ग्राउंड नहीं है टू इंटरिंग ऑन एन इन्वेस्टिगेशन वाला, एंड इन द केस मेंशन इन क्लॉज बी ऑफ द सेट प्रोविजो द ऑफिसर शैल ऑल्सो फोर्थविथ, इस पर भी अंडरलाइन करिए, शैल ऑल्सो फोर्थविथ नोटिफाई टू द इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्मेंट को भी बताएगा, ठीक है, नोटिफाई टू द इन्फॉर्मेंट इफ एनी इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट द फैक्ट दैट ही विल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस और कॉज इट टू बी इन्वेस्टिगेटेड. मतलब वो मैजिस्ट्रेट को भी बताएगा अपने रीजंस और इन्फॉर्मेंट को भी बताएगा क्लॉज बी वाले सिचुएशन में. क्लॉज बी में क्या है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इन्वेस्टिगेट करने का, ठीक है, समझ में आ रहा है. तो जो 157 है उसमें इन्वेस्टिगेशन होता भी है और इन्वेस्टिगेशन नहीं भी होता है. तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के लिए बताइए एफआईआर लॉज होना जरूरी है? नहीं, विदाउट लॉजिंग ऑफ एफआईआर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है. ये कहाँ लिखा है? कहीं नहीं, 57 प्रोविजो में नहीं है, अदरवाइज, वो जो अदरवाइज है इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, ठीक है. तो 157 में देखिए, अगर उसके पास, पुलिस ऑफिसर के पास हैज़ रीजन टू सस्पेक्ट, तब वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, करेगा, ये मैंडेटरी कहाँ है, हैज़ रीजन टू सस्पेक्ट कहाँ दिया गया है कि करेगा ही, 156, तब 156 में है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो ही, ठीक है, कॉग्निजिबल केस का चल रहा है मैटर. और उसके पास नो रीजन टू सस्पेक्ट कि कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है या फिर बहुत ग्रेव नहीं है, तो इसको इनेबल किया गया है कि आप इन्वेस्टिगेट, रहने दो, मत करो, कहाँ, सेक्शन 157, ठीक है. तो इसमें जो वर्ड लिखा है ना 157 में, ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट, तो ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट को मे की तरह पढ़ना है, ठीक है, मे की तरह पढ़ना है, मे और मे नॉट, यहाँ पे आप ये मेंशन कर लो. तो 157 का प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट सेंड टू मैजिस्ट्रेट, क्या, ऑकरेंस रिपोर्ट, मैजिस्ट्रेट को सेंड करेगा, कौन सा मैजिस्ट्रेट, एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 191B, मतलब पुलिस रिपोर्ट पर, 191A होता तो कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेता, 191C होता तो इन्फॉर्मेशन पर लेता और नॉलेज पर. क्या ये जनरली पुलिस किस मजिस्ट्रेट के पास, JM1, ठीक है. ये हो गया, ये फर्स्ट स्टेज है. उसके बाद क्या होगा 157 का, बताओ, जान भेजेगा स्पॉट पर को दिया है, हाँ, ऑन स्पॉट जाएगा, मेरा पहले तो वो ये देखेगा कि सफिशिएंट
ग्राउंड है नहीं वो बाद में अच्छा ये सब सेक्शन वन में ऑकरेंस रिपोर्ट भेजा उसके बाद से ऑन स्पॉट जाएगा हिमसेल्फ खुद जाएगा मतलब इन पर्सन जाएगा या सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भेजेगा मगर जाना ही पड़ेगा चाहे सो वहाँ स्टेशन पे लगे कि नहीं कुछ है ठीक है लेकिन चूंकि सबसेक्शन वन में ये था लेकिन प्रोवाइजो मतलब इसका एक एक्सेप्शन है जाना ही पड़ेगा नहीं रुकिए जनरल रूल है जाना पड़ेगा एक्सेप्शन है क्या एक्सेप्शन है सीरियस है सर हाँ विदाउट गोइंग एक्सेप्शन है प्रोविजो ए प्रोविजो ए इसका एक्सेप्शन है ठीक है विदाउट गोइंग ऑन द स्पॉट ही कैन कॉल एक्यूज्ड टू पुलिस स्टेशन कैसा जैसे कि 160 में बुलाया जाता है यहाँ पे इस स्पॉट पे गए बगैर विदाउट गोइंग ऑन स्पॉट एक्यूज्ड को बुला सकता है कैन कॉल एक्यूज्ड जैसे कि सेक्शन 160 में बुलाते हैं ठीक है समझ में आ रहा है ये आप लोग सीआरपीसी पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि एविडेंस भूल जाओ कल से एविडेंस कराना है वन वन आर का कर दो ठीक है वन आर सीआरपीसी वन आर एविडेंस ये भी सही है तो आपका दोनों होता रहेगा ठीक है तो कल से तो अगर ये पुलिस ऑफिसर हैं FIR लॉज होती है या कोई और अदरवाइज इंफॉर्मेशन आती है आपको छोड़ करके आप बताइए क्या होगा फिर कोई कॉग्निजिबल केस की FIR लॉज होती है या कोई और इंफॉर्मेशन आती है तो अब इसका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर कैसा होगा नहीं सीरियस नेचर हटा दीजिए पहले आप सबसेक्शन वन बताइए क्या कहता है ऑकरेंस रिपोर्ट भेजेगा यही है जो देख रहे हैं वही बोलिए हाँ उसके बाद की बात है ना ऑन स्पॉट खुद जाएगा या किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भेजेगा फिर पता चलेगा ये क्या है ठीक है उसका अगर सीरियस नेचर का नहीं है ठीक है फिर वो उसका रीज़न रिकॉर्ड करेगा रीज़न रिकॉर्ड करके भी मैजिस्ट्रेट को भेजेगा देखिए मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा हूँ और इन्फॉर्मेंट को भी बताएगा देखो मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वजह है उसके रीजंस बताएगा ठीक है फिर भी मैं उसको लगे कि नहीं करना चाहिए तो करेगा नहीं मतलब इन्फॉर्मेंट को लगे कि पुलिस जानबूझ के ऐसा कर रहा है पुलिस जानबूझ के ऐसा कर रहा है तो फिर वो मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा 156(3) क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर यूज होता है अभी कॉग्निजेंस लिया नहीं है ठीक है प्रीकॉग्निजेंस स्टेप के लिए तो यहाँ पे इसको रीजन टू सस्पेक्ट ये देखा जाएगा वेदर पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू सस्पेक्ट वेदर पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू सस्पेक्ट that any cognizable offense has been committed or not ठीक है that any cognizable offense has been committed or not if yes तो क्या होगा If no, तो क्या होगा
बताओ इफ यस तो क्या होगा? तो हाँ वही बोलो, तो ऑक्यूरेंस रिपोर्ट आएगी और ऑन स्पॉट जाएगा, अरेस्ट करेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा इफ द पर्सन इज नोन और अननोन, तो क्या होगा? अभी प्रोविजो का यूज आ रहा है, ठीक है, प्रोविजो ए बताओ। नॉन रहेगा तो मैं ये देखना होगा कि ऑफेंस सीरियस नेचर, सीरियस नेचर का है या नहीं, ठीक है, और ठीक है नॉन है और ऑफेंस सीरियस, तब वो खुद जाएगा। अगर सीरियस नेचर का है और नॉन नहीं है, ठीक है, तो वो खुद जाएगा और या फिर अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भेजेगा स्पॉट पे। फिर क्या होगा? हाँ, और अगर वो नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन, तो अगर नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो आ जाएगा क्लॉज टू, उसको रीजंस देना होगा कि देखो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें भी ऑक्यूरेंस रिपोर्ट सेंड करेगा, ठीक है, प्लस रीजंस देगा मैजिस्ट्रेट को, और ये रीजंस देगा किसे, और किसे रीजन देगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेंट को। लेकिन ऑक्यूरेंस रिपोर्ट केवल मैजिस्ट्रेट को भेजेगा, इन्फॉर्मेंट को नहीं भेजेगा, ठीक है। इन्फॉर्मेंट को रीजन देगा, मैजिस्ट्रेट को भी रीजन देगा, ये तो नहीं लिखा है, ये तो नहीं लिखा है, हो सकता है व्हाट्सएप भी कर दे। जो भी मैनर हो, अब तो ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं, मेल कर सकता है, हो सकता है, हाँ मेल भी कर सकता है, अब तो ज्यादा ऑनलाइन ही चल रहा है। इस पर कुछ लिखाना है या आपको समझ में आ गया है? लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, केस लॉ, ठीक है। हाँ नहीं, ये दिल्ली हरियाणा यहाँ सब यूज हो जाएगा, इधर यूपी में तो नहीं, बिहार में नहीं, ठीक है। हाँ 156 प्रैक्टिकल में इसका यूज बहुत आता है, बट 156 से डायरेक्ट नहीं आते हैं, FIR से आ जाएंगे, FIR कंप्लेंट में डिफरेंस से आ जाएंगे, उसको थीम साथ में लेना होगा ना, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना, क्या है? अगर ये पूछ रहा है व्हाट इज FIR, क्या टेलीफोनिक FIR लॉज हो सकती है, ठीक है, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, तो एविडेंशियरी वैल्यू जो चार्ट बनाया था वही ऐसे ही बना दीजिएगा, लिख दीजिएगा थोड़ा थोड़ा, या उस पर कुछ अगर आपको लिखाना तो बता दीजिएगा, वो भी लिखवा देंगे। और फिर वो पूछ सकता है FIR कंप्लेंट में डिफरेंस, ठीक है, इतना ही पूछेगा। लॉजिंग ऑफ FIR पूछता है तो 154 वो पूरा लिखेंगे, लेकिन नहीं, लॉजिंग ऑफ FIR पूछता है तो 154 लिखेंगे, ठीक है। हाँ FIR में पूछता क्या है, FIR में यही जो बता रही हूँ ना वही पूछेगा, आपको 207 और इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, FIR कंप्लेंट में डिफरेंस पूछ लेगा, ठीक है, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू पूछ लेगा और FIR की डेफिनेशन पूछ लेगा, ठीक है। डेफिनेशन एज सच ब्रेक में नहीं दी है, केस लॉ, और अपने दिमाग से आप लिखेंगे कि जो भी ऐसे ऑकरेंस कॉग्निजिबल ऑफेंस के ऑकरेंस की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम होती है, ये सब अपना लिख लेंगे। और क्या पूछेगा इसमें, हाँ 162 160, ये सब दिल्ली वगैरह में इम्पोर्टेंट है, यूपी वगैरह में नहीं पूछता है। लेकिन अभी आएंगे लाइन से, आपको बताया था ना अभी, वो हिट कर जाता है उसका स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। 160 में विटनेसेस को बुलाता है पुलिस ऑफिसर, तो
तो इसको इतना इसमें टाइम नहीं लगाते हैं क्योंकि फिर ये आप पूछता नहीं है। हाँ ये है डिले इन सेंडिंग ऑक्यूरेंस रिपोर्ट, अगर ऑक्यूरेंस रिपोर्ट को सेंड करने में डिले होती है तो इस पर केस है, वो आप नोट कर लीजिए। धर्मवीर एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, डिले इन सेंडिंग ऑक्यूरेंस रिपोर्ट, धर्मवीर एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, डिले इन सेंडिंग ऑक्यूरेंस रिपोर्ट। और एक और है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस अनिल चंद्रन अलियास मधु एंड अदर, स्टेट एक नंबर दो नंबर स्टेट ऑफ केरला वर्सेस अनिल चंद्रन अलियास मधु एंड अदर्स, धर्मवीर एंड अदर्स स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस अनिल चंद्रन अलियास मधु एंड अदर्स, डिले इन सेंडिंग ऑक्यूरेंस रिपोर्ट, अनिल चंद्रन अलियास मधु एंड अदर्स। हाँ इसमें इस केस में वर्डिक्ट क्या थी आप इसे नोट कर लीजिए, दोनों दोनों में एक ही बात थी, द बेसिक पर्पस ऑफ सेंडिंग ऑक्यूरेंस रिपोर्ट, द बेसिक पर्पस ऑफ सेंडिंग ऑक्यूरेंस रिपोर्ट दोनों में एक ही चीज है, एक ही बात है, द बेसिक पर्पस ऑफ सेंडिंग ऑक्यूरेंस रिपोर्ट इज टू प्रिवेंट एनी मैन्युपुलेशन स्लैश इम्प्रोवाइजेशन, एनी मैन्युपुलेशन स्लैश ऑब्लिक इम्प्रोवाइजेशन इन द एफ आई आर, इन द एफ आई आर एंड देयर फोर द वर्ड फोर्थविथ को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, द वर्ड फोर्थविथ तुरंत एंड देयर फोर द वर्ड फोर्थविथ shall be given, the word forthwith shall be given its real effect, ठीक है, the police officer shall promptly send the occurrence report, the police officer shall promptly send the occurrence report